यूपी में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन तय हो गया है। 1993 के गठबंधन के बाद 1995 में हुए गेस्ट हाउस कांड की वजह से सपा और बसपा एक दूसरे से दूर हो गए थे। हालांकि इस कांड के चलते दोनों दलों के रिश्तों पर जमी बर्फ उस दिन से भी पिघलने लगी थी जब गोरखपुर व फूलपुर के उपचुनावों में सपा प्रत्याशियों को जीत मिली थी और अखिलेश यादव खुद मायावती को इसकी बधाई देने उनके घर गए थे। इसके बाद मायावती ने भी 23 मार्च 2018 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गेस्ट हाउस कांड को लेकर अखिलेश यादव का बचाव करते हुए कहा था कि उस वक्त अखिलेश राजनीति में आए भी नहीं थे। फिर भी लंबे समय तक इन दोनों पार्टियों के बीच बात नहीं बन सकी, लेकिन लोकसभा चुनावों ने एक बार फिर से यूपी की दोनों बड़ी पार्टियों में गठबंधन की तरफ रुख करने पर मजबूर कर दिया। बता दें, गेस्ट हाउस कांड के बाद ये पहला मौका था जब दोनों पार्टी के नेता एक साथ मीडिया से रूबरू हुए हैं। गेस्ट हाउस कांड से भी ऊपर रखते हुए, यानी कि देश व जनहित को इस कांड से भी ऊपर रखते हुए एक बार फिर हमने यहाँ देश में लगभग उसी प्रकार की दूषित राजनीतिक व सांप्रदायिकता के माहौल के मद्देनजर रखते हुए आपस में चुनावी समझौता करने का फैसला लिया। भाजपा और भाजपा के नेता ये बात भी अच्छी तरह से समझ लें कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का केवल चुनावी गठबंधन नहीं है, बल्कि भाजपा द्वारा किए जा रहे अन्याय और अत्याचार का अंत भी है। अब बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और दोनों पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर के भाजपा के अत्याचारों का डटकर मुकाबला करेंगे। इस दौरान दोनों पार्टियों ने सीटों के बंटवारे को लेकर अपना निर्णय रखते हुए यूपी की 80 सीटों में से 38 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की। बहरहाल सपा और बसपा का साथ आना सियासी सरगर्मी को और हवा देगा। 3 राज्यों में चुनाव जीतकर बीजेपी को चुनौती देने वाली कांग्रेस पार्टी को सपा बसपा का दरकिनार किए जाना कितना सही होगा, ये आगामी चुनाव तक साफ हो जाएगा। वहीं जिस तरह से सीटों का बंटवारा किया गया है उसको देखते हुए इस बात का अंदेशा लगाया जा रहा है कि सपा बसपा गठबंधन ने बाकी क्षेत्रीय दलों और उम्मीदवारों को नाउम्मीद कर अपने लिए मुश्किलें खड़ी कर ली हैं। दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।